हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट नंबर्स। चैप्टर नेम हमारा है नंबर्स 1 अप टू 1000। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है किसके बारे में, 1 टू 100, 1 टू 200 तक आपने नंबर्स और उनको वर्ड्स में भी सीखा है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 25, 2 एंड 5, 25। तो नेक्स्ट है वो हम सोल्व करते हैं। देखो, 3 एंड 9, 39, 39। तो नेक्स्ट है 7 एंड 3, तो ये होगा 73, 73। 8 एंड 7 क्या होगा, 87। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास है वर्ड्स में हमें नंबर दिए हैं, इनको हमें किस में लिखना है, नंबर में लिखना है या आप क्या हो गए इसे फिगर में। 52, 52, 52। 35, 35, 35। 79, 79, 79। 36, 36, 36। 59, 59, 59। 93, 93, 93। अब देखो, हमें यहाँ एक ट्रेन दिया हुआ है और उस ट्रेन के जो बॉक्स है उसके अंदर देखो क्या है कि राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द ट्रेन एंड पेपर। ट्रेन के ऊपर हर बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, एक पेपर है, पेपर के ऊपर रिटन है नंबर्स हमारे पास, उसमें कुछ नंबर है वो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं, उसमें क्या है, मिसिंग लेटर्स हैं। तो वहां हमें इन नंबर्स को फिल करना है। तो 43, फिर एक ब्लैंक बॉक्स है, उसके बाद में 45। तो काउंटिंग में हमने देखा था क्या कि 43 के बाद कौन आएगा, 44, फिर 45, देन 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो ये जो है इसमें भी हम फिल करके देखते हैं कौन कौन से लेटर मिसिंग है और उन नंबर को हम इन ब्लैंक बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे। जो राउंड सर्कल्स हमें दिए हुए हैं ब्लैंक, उनके अंदर हम उन नंबर्स को फिल करेंगे। तो करो, 93, फिर 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। नेक्स्ट हम करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो ग्रेटर देन साइन किसके लिए यूज होता है, नंबर्स में बड़े नंबर को शो करने के लिए। दो नंबर्स हैं आपके पास, देखो एग्जांपल देखते हैं हम, 89 एंड 99। 89 बड़ा है या 99 बड़ा है, तो हमारे पास कौन सा नंबर है वो बड़ा है, 99। 89 है वो छोटा है, तो जो छोटा रहेगा नंबर उसके पास हम क्या रखेंगे, इस साइन की चोंच को, उसके बाद उसका खुला हुआ मुंह कहाँ रखेंगे, जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से जब दोनों नंबर सेम हो दिखने में तो उसे हम कहते हैं इक्वल टू, क्या कहते हैं उसे, इक्वल टू। तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, 36 इक्वल टू 36। यहां भी देखो, 28 इक्वल टू 28। 38 एंड 40, इन दोनों में कौन सा स्मॉल नंबर है, 38 है वो स्मॉल है और 40 है वो बिग नंबर है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, बड़े नंबर की तरफ इस तरह का साइन और स्मॉल की तरफ हम उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हम कहते हैं इसे लेस देन, 38 इज लेस देन फ्रॉम 40। नेक्स्ट ये है आपके पास, इसी तरह से फिल इन द बॉक्सेस, राइट द नंबर
जस्ट बिफोर, इन नंबर्स के जस्ट पहले कौन सा आता है, ठीक पहले इन नंबर्स के कौन आता है? तो 49 से ठीक पहले कौन आता है? 39। वो 39 से पहले कौन आता है? 38। 25 से पहले 24। एंड 36 से पहले कौन आता है? 35। और यहां क्या है हमारे पास कि राइट द नंबर्स इन बिटवीन, जो हमें नंबर दिए गए हैं इनके बीच में कौन सा नंबर आता है वो मिसिंग नंबर हमें लिखना है, 15 एंड 17। तो काउंटिंग करो, देखो 15, 16 एंड 17, तो मिसिंग कौन है? 16। 35, 36 एंड 37। 14, 15 एंड 16। तो आज हमने नंबर्स को देखा कि कौन ग्रेटर देन है, लेस देन है एंड इक्वल टू है। और उसके बाद हमने देखा कि जस्ट बिफोर नंबर्स हैं वो किसी नंबर से पहले कौन कौन से नंबर है वो हमने लिखने सीखे, और इन बिटवीन नंबर्स भी हमने आज लिखे। तो इसी पे हम होमवर्क है आपके लिए, देखो ये होमवर्क है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। इन नंबर्स में आपको देखना है कि यहाँ कौन सा साइन आपको यूज करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द नंबर्स इन बिटवीन, इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट नंबर्स। चैप्टर नेम हमारा है नंबर्स 1 अप टू 1000। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है किसके बारे में, 1 टू 100, 1 टू 200 तक आपने नंबर्स और उनको वर्ड्स में भी सीखा है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 25, 2 एंड 5, 25। तो नेक्स्ट है वो हम सोल्व करते हैं, देखो 3 एंड 9, 39, 39। तो नेक्स्ट है 7 एंड 3, तो ये होगा 73, 73। 8 एंड 7 क्या होगा, 87। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास है वर्ड्स में हमें नंबर दिए हैं, इनको हमें किस में लिखना है, नंबर में लिखना है या आप कहोगे इसे फिगर में, 52, 52, 52। 35, 35, 35। 79, 79, 79। 36, 36, 36। 59, 59, 59। 93, 93, 93। अब देखो हमें यहाँ एक ट्रेन दिया हुआ है और उस ट्रेन के जो बॉक्स है उसके अंदर देखो क्या है कि राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द ट्रेन एंड पेपर। ट्रेन के ऊपर हर बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, एक पेपर है, पेपर के ऊपर रिटन है नंबर्स हमारे पास, उसमें कुछ नंबर है वो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं उसमें क्या है, मिसिंग लेटर्स हैं। तो वहां हमें इन नंबर्स को फिल करना है। तो 43, फिर एक ब्लैंक बॉक्स है उसके बाद में 45। तो काउंटिंग में हमने देखा था क्या कि 43 के बाद कौन आएगा, 44, फिर 45, देन 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो ये जो है इसमें भी हम फिल करके देखते हैं कौन कौन से लेटर मिसिंग है और नंबर को हम इन ब्लैंक बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे, जो राउंड सर्कल्स हमें दिए हुए हैं ब्लैंक उनके अंदर हम उन नंबर्स को फिल करेंगे। तो करो 93, फिर 94, 95, 96, 97,
98, 99 एंड 100। नेक्स्ट हम करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो ग्रेटर देन साइन किसके लिए यूज होता है? नंबर्स में बड़े नंबर को शो करने के लिए। दो नंबर से आपके पास देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, 89 एंड 99। 89 बड़ा है या 99 बड़ा है? तो हमारे पास कौन सा नंबर है वो बड़ा है? 99। 89 है वो छोटा है। तो जो छोटा रहेगा नंबर उसके पास हम क्या रखेंगे? इस साइन की चोंच को। उसके बाद उसका खुला हुआ मुंह कहाँ रखेंगे? जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ। तो यहां हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से जब दोनों नंबर सेम हो दिखने में तो उसे हम कहते हैं इक्वल टू। क्या कहते हैं उसे? इक्वल टू। तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? 36 इक्वल टू 36। यहां भी देखो 28 इक्वल टू 28। 38 एंड 40, इन दोनों में कौन सा स्मॉल नंबर है? 38 है वो स्मॉल है और 40 है वो बिग नंबर है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? बड़े नंबर की तरफ इस तरह का साइन और स्मॉल की तरफ हम उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हम कहते हैं इसे लेस देन। 38 इज लेस देन फ्रॉम 40। नेक्स्ट ये है आपके पास। इसी तरह से फिल इन द बॉक्सेस, राइट द नंबर जस्ट बिफोर। इन नंबर्स के जस्ट पहले कौन सा आता है? ठीक पहले इन नंबर्स के कौन आता है? तो 49 से ठीक पहले कौन आता है? 39। और 39 से पहले कौन आता है? 38। 25 से पहले 24। एंड 36 से पहले कौन आता है? 35। और यहां क्या है हमारे पास कि राइट द नंबर्स इन बिटवीन। जो हमें नंबर दिए गए हैं इनके बीच में कौन सा नंबर आता है वो मिसिंग नंबर हमें लिखना है। 15 एंड 17। तो काउंटिंग करो देखो, 15, 16 एंड 17। तो मिसिंग कौन है? 16। 35, 36 एंड 37। 14, 15 एंड 16। तो आज हमने नंबर्स को देखा कि कौन ग्रेटर देन है, लेस देन है एंड इक्वल टू है। और उसके बाद हमने देखा कि जस्ट बिफोर नंबर्स हैं वो किसी नंबर से पहले कौन कौन से नंबर है वो हमने लिखने सीखे, और इन बिटवीन नंबर्स भी हमने आज लिखे। तो इसी पे हम होमवर्क है आपके लिए, देखो ये होमवर्क है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। इन नंबर्स में आपको देखना है कि यहां कौन सा साइन आपको यूज करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द नंबर्स इन बिटवीन, इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।